नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों में देखे जाने वाले कॉमन कंडीशन के बारे में। स्किन बाइटिंग, नेल्स बाइटिंग, यानी कि जो नाखून है उनको दांतों से काटते हैं, या फिर जो चमड़ी रहती है, त्वचा रहती है, चाहे लिप्स की हो चाहे हाथों की हो, उसको दांतों से काटते हैं, या कुछ बच्चे जो है मिट्टी खाते रहते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं डॉक्टर आमिर, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। दोस्तों, जब हम छोटे हुआ करते थे, या जो अभी छोटे बच्चे हैं, यानी कि जो ये ड्यूरेशन रहता है बचपन का, जब हम बच्चे रहते हैं, सारा जो टाइम पीरियड रहता है लाइफ का, तो उस दौरान बच्चों के अंदर कुछ कॉमन सी कंडीशनें देखने को मिलती है, यानी कि जैसे हम आदत कह सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे जो अपने नेल्स काटते रहते हैं दांतों से, या कुछ पर्सन जो कुछ बच्चे हैं जो कि दांत से अपनी स्किन, यानी कि त्वचा, यानी कि जो लिप्स की स्किन है, इसको काटते हैं, या हाथों के लिए काटते रहते हैं चमड़ी जो रहती है, या किसी पर्सन को मिट्टी खाने की आदत रहती है, कोई अंगूठा डाल के अंगूठा चूसता रहता है, तो ये कुछ हैबिटें बचपन में देखने को मिलती हैं। और कभी कभी देखा जाता है कि बच्चा जैसे बड़ा बड़ा होता है, तो बड़े पर्सनों में भी आदत देखने को मिलती है, और कुछ कंडीशन बड़ा पर्सन नाखून काटता है तो वो कंडीशन अलग हो जाती है, यानी कि वहाँ पर भी जब कोई पर्सन टेंशन में रहता है तब भी किसी को आदत होती है नेल्स काटने के। जैसे मान लीजिए किसी को टेंशन हो रही है तो वो नाखून काटता रहता है, तो ये भी देखने को मिलता है बड़े पर्सन में। कंपैरिजन किया जाए छोटे बच्चों में और बड़े बच्चों में, तो छोटों में ज़्यादा देखने को मिलती है नेल्स काटना, दांतों से चमड़ी काटना, मिट्टी खाना, तो कॉमन सी समस्या देखने को मिलती है। जो कि नॉर्मली अगर इसके कारण की तरफ जाएँ तो क्या कारण रहते हैं इनके, तो नॉर्मली बच्चों में देखा गया अगर कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है बच्चे के अंदर, वो मिट्टी खाता है, नेल्स खाता है, चमड़ी चबाता है, चमड़ी काटता रहता है दांतों से, या कई बार अपने दांतों को कट कटाता रहता है, और इसका एक कारण हो रहा है। दूसरा देखा जाता है कि पेट के अंदर कीड़े रहते हैं, वॉर्म्स रहता है, तो बच्चा थोड़ा रोता रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, अपने दांत कट कटाता है, जिसके कारण आपको वहाँ पे इंडिकेशन मिल जाएगी बच्चे के अंदर कीड़े हैं, फिर वो जैसे कि मिट्टी चौक ऐसी चीज़ें खाता रहता है। तो कॉमनली यही थोड़े से कारण देखने को मिले, जिसके कारण ज़्यादातर ये लक्षण देखने, जैसे कि मैंने आपको बताया कैल्शियम की कमी, या फिर जो पेट के अंदर कीड़े रहते हैं, तो नॉर्मली बच्चा, या फिर बच्चे के अंदर हैबिट रहे, जब बच्चे को माँ का दूध मिलता है उसके बाद जैसे बच्चे को दूध चढ़ाते हैं, तो उसका बच्चे को हैबिट पड़ जाती है, अंगूठा चूसना शुरू कर देता है, या उससे पहले तो वो हैबिट कंटिन्यूसली ही रहती है। जैसे कि कुछ गांव में देखा होगा आपने, जब बच्चों की आदत पड़ती है तो उनके बच्चे के जो माँ रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, तो उनके ऊपर मिर्ची लगा रहते हैं, ताकि बच्चा जब भी उंगली मुंह में डाले, अंगूठा मुंह में डाले, तो उसको मिर्ची लगे, जिससे कि उसकी हैबिट छूट जाए। तो ऐसे भी बहुत सारे जो घरेलू उपाय अपनाते हैं। तो आज हम इसी के लिए आपके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि इन कंडीशन में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, और जब भी ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो इसमें थोड़ा हेल्थ इशू भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि जैसे बच्चे अपने नेल्स काटे और बच्चे पूरा दिन खेलते रहते हैं बाहर, तो नेल्स के अंदर बहुत सारा कचरा वगैरह इकट्ठा होता रहता है, और बच्चा साफ सफाई नहीं रखता, नेल्स के अंदर कचरा भरा रहता है, गंद जो भी रहती है, गंदगी भरी रहती है, तो वो नेल्स जैसे काटेगा, चाहे छोटा पर्सन हो चाहे बड़ा हो, अगर इस कंडीशन निकल रहा है और वो अपने नेल्स काट रहा है, अपनी त्वचा साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता, त्वचा काट रहा है, तो वो गंदगी उनके शरीर के अंदर चली जाएगी, पेट के अंदर, जिससे कि पेट के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं, जैसे कि साल्मोनेला, इकोलाई बैक्टीरिया, जैसे ये दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, पेट दर्द, ऐसे बहुत सारे जो है आगे कंडीशन क्रिएट हो सकती है पेट से रिलेटेड, या फिर जब हम या बच्चे जो भी हैं जब त्वचा काटते हैं नेल्स, तो कई बार स्किन भी काट देते हैं, जिससे कि जो है पैरेनोशिया की समस्या भी हो सकती है। पैरेनोशिया क्या है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं पैरेनोशिया क्या है। ये थोड़े से कॉमन से कंडीशन देखने को मिलते हैं, अगर साफ सफाई का ध्यान नहीं रहता, अगर आप ऐसे खाते रहते तो आपके हेल्थ इशू भी देखने को मिल सकते हैं, पेट से रिलेटेड है, आपकी त्वचा से रिलेटेड। तो अब चलते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ, कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन हमें इस कंडीशन में यूज़ करनी, जिससे कि हमें हेल्थ इशू भी ना हो और जो ये हैबिट है या जो आदतें पड़ी हुई हैं वो भी छूट जाए। तो उसकी तरफ चलते हैं दोस्तों। पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है सीना। तो सभी मेडिसिन का पिक्चर मैं आपको यहाँ पर लगाता रहूँगा, जहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। और सीना मेडिसिन बच्चों में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, जिन बच्चों के अंदर, यानी कि शरीर के अंदर, उनके पेट के अंदर अगर बॉम्ब्स यानी कि कीड़ों की समस्या रहती है, बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, रोता रहता है, पेट में दर्द रहता है, उसको बार बार भूख लगती रहती है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है सीना। और बच्चा मिट्टी वगैरह खाता, अगर ऐसी हैबिट रहती है, साथ में कीड़े भी हैं पेट में, चिड़चिड़ा, तो ऐसे लक्षणों में बच्चों में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है 30 पोटेंसी में। तो पिक्चर में आपको साथ साथ लगाता रहूँगा, जहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इसको आपने यूज़ करना, एक चम्मच पानी में इसकी आपने जो डालनी है 5 बूंदे, और दिन में 3 बार यूज़ करना, खाना खाने से आधा घंटा पहले या बाद में कभी भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है फाइटोलोका डिकेंड्रा। तो इसका पिक्चर मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगा, जहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जो बच्चे अपने दांत कट कटाते हैं, यानी कि जैसे कट कट करते
जाता है या फिर कई बार जोर से उसको जकड़ देते हैं दांतों को। तो ऐसी कंडीशन में या फिर बच्चा जो है अपने जो गम्स रहते हैं यानी कि जो मसूड़े रहते हैं उनको ऐसे चबाता रहता है दांतों से, या फिर जो लिप्स की जो त्वचा रहती है उसको काटता रहता है। तो ऐसी कंडीशन बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और जो फाटलों का डिकेंडर का बच्चा होगा उसकी जो जीभ का अगला हिस्सा जो टिप रहती है वो लाल लाल दिखाई देंगे, रेड देखने को मिलती है, और कभी कभी इतना डीपली काट लेता है अपने आप को यानी कि गम्स को लिप्स को इतने जोर से कट मार देता है दांतों से, ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो उस कंडीशन में बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो आपने यूज़ करनी 30 पोटेंसी में 1 चम्मच पानी में 5 बूंदे डाल के दिन में 3 बार यूज़ करना है। खाना खाने से आधा घंटा पहले या बाद में कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है इसकी कलकेरिया फोस। कलकेरिया फोस बच्चों में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। जब बच्चों को दांत आते हैं उस दौरान इसका यूज़ किया जाता है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और स्पेशली उन बच्चों के अंदर यूज़ की जाती है इस कंडीशन जिस कंडीशन के बारे में हम बात करें, जिन बच्चों को मिट्टी खाने की बहुत ज़्यादा आदत रहती है, जैसे कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उनको आदत रहती है इस चीज़ की, मिट्टी खाना, चोक खाना, ऐसी चीज़ें खाते हैं अनवांटेड यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है जैसे कि चोक हो गया, मिट्टी हो गया, ऐसी चीज़ें वो खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में कलकेरिया फोर्स बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। उस कंडीशन में आपने यूज़ करनी है 6x पोटेंसी में। तो उसके आपने दो दो टैबलेट दिन में 3 बार देनी है। अगर छोटा बच्चा है तो उसको आप क्रश करके भी दे सकते हैं या फिर डायरेक्टली चूस सकता है बच्चे तो डायरेक्टली भी दे सकते हैं। तो दो दो टैबलेट दिन में 3 बार चूसनी है, खाना खाने से आधा घंटा पहले या बाद में कभी भी दे सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन एंटीमोनियम क्रूड। तो इसका पिक्चर मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगा जहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों जिन बच्चों को आदत रहती है कि अपने जो नेल्स रहते हैं उनको दांतों से काटते रहते हैं, पूरा दिन लगे रहते हैं काटने, कट कट लगे रहते हैं दांतों में, जो यानी कि हाथ की उंगलियां मुंह के अंदर रहते हैं उनको काटते रहते हैं, और ऐसे करने से उनके जो जो नाखून की एक नॉर्मल शेप रहती है वो भी बिगड़ जाती है। और ऐसी उनको आदत है पूरा दिन लगे रहते हैं कट कट करने लगे रहते हैं, उंगली उनके मुंह में रहती है, नाखून काटते रहते हैं, उस कंडीशन में एंटीमोनियम क्रूड बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। 30 पोटेंसी में 1 चम्मच पानी में 5 बूंदे डाल के दिन में 3 बार यूज़ करनी, खाना खाने से आधा घंटा पहले या बाद में आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये 4 कॉमन मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है इन कंडीशन में, जिस भी कंडीशन के साथ आपके बच्चे आप के भाई बहन जिनसे भी लक्षण मिलते हैं तो उस कंडीशन में आप इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जो कि आपको अपने आसपास जो भी होम्योपैथिक क्लिनिक या होम्योपैथिक स्टोर रहते हैं वहाँ पे आपको ये मेडिसिन मिल जाएंगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में आपको दिखाई देगा रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन तो उसको कर दें प्रेस, साथ में आपको दिखाई देगी बेल की आइकन तो उसको भी कर दें प्रेस, जिससे कि आप हमारी इस यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे मैं होम्योपैथी से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आऊँगा उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।